वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दिसंबर 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ डिवाइन सोल इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड द ईयर 2020। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर रीचिंग टूवर्ड्स सितंबर। अगर दोस्त मैं सितंबर महीने की बात करूँ आपसे, तो अगर आप स्टार्स की पोजिशन देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि बृहस्पति गुरु अपनी ही राशि में धनु राशि में मार्गी होने वाले हैं। साथ ही साथ में शनि देव भी मकर राशि में मार्गी होने वाले हैं। राहु अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। केतु अपनी उच्च राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अभी सिंह राशि में है जो उनकी स्वयं राशि है। बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल भी अपनी स्वयं राशि में है। कुल मिला के अगर हम सितारों की स्थिति देखें तो 9 में से 7 प्लैनेट अपने पावरफुल पोजीशन में हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, जो मैंने दिसंबर में बनाया था, कि ये स्टार्स कुछ इंडिकेट कर रहे हैं एक ऐसे सोल के बर्थ के लिए जो आने वाले समय में इस दुनिया में बहुत कुछ करने वाली है। सितंबर 2020 इज़ अ मंथ ऑफ ए बर्थ of a divine soul, very spiritual and a highly energetic powerful soul। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि मैं भगवान कल्कि की बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस भ्रम को अपने मन से निकाल दें, क्योंकि भगवान कल्कि का जन्म सितंबर 2020 में नहीं होने वाला है। लेकिन मैं जिस सोल की बात कर रहा हूँ, ये वो सोल है जो आने वाले समय में भगवान कल्कि के साथ में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है इस दुनिया के लिए। अगर मैं कॉस्मिक एनर्जी की बात करूं, तो कॉस्मिक एनर्जी के कुछ हिडन मैसेजेस होते हैं, कुछ हिडन एजेंडाज होते हैं। वो हम सब लोग नहीं जान सकते जब तक हम उस फ्रिक्वेंसी या उस वाइब्रेशन को मैच नहीं कर पाते हैं। उसी तरह आने वाले समय में कॉस्मिक एनर्जी बहुत बड़ा मेजर रोल या बहुत बड़ा बदलाव प्ले कर रही है इस दुनिया के लिए। ये वो समय है जहाँ पर सोल डिफ्रेंशिएट होने वाले हैं और सोल एक प्रोसेस के थ्रू उस आने वाले समय में वो बदलाव लेके आएंगे, जिस बदलाव का हमें सबको इंतज़ार है। तो ये कुछ सोल्स जो ऑलरेडी बर्थ ले चुके हैं, उनमें उनका सिलेक्शन होगा और साथ ही साथ में एक नई आर्मी भी डेवलप होगी, जो कि सितंबर 2020 के स्टार से हम देख सकते हैं। कुल मिला के द ओल्ड सोल्स एंड द न्यू सोल्स विल ज्वाइन द कॉस्मिक एनर्जी टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ अस। एवरीथिंग विच विल हैपन स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये चीज़ हमें समझने की है, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती, उसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। उसी तरह प्रकृति भी कुछ समय लेती है उन चीज़ों को संवारने के लिए या उन चीज़ों की रचना करने के लिए जो आने वाले समय में इस दुनिया को बदल सकती है। वी आर इंटरिंग इन टू अ न्यू एरा, वी आर इंटरिंग इन टू अ न्यू फेज ऑफ आवर लाइफ। लेकिन ये जो फेज़ है वो कुछ ऐसा फेज़ है जो आपने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा होगा। और अगर आप उन आत्माओं में चुने हुए हैं जो आने वाले समय में इस विश्व के लिए कुछ नया निर्माण कर सकते हैं या उस ट्रांजिशन का हिस्सा बन सकते हैं, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकते हैं। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें दोस्तों, कि जब भी कोई डिवाइन एनर्जी का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ इवेंट घटित होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सृष्टि रचती है जिससे इस चीज़ का इंसानियत को महसूस हो जाता है कि कोई ना कोई इस दुनिया में आया है जो आगे जाके इस दुनिया में इतिहास रचने वाला है। भगवान कल्कि का जन्म अवश्य होगा, लेकिन अभी उनका जन्म सितंबर 2020 में नहीं होगा, कुछ समय है। लेकिन ये जो आत्मा है वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है उनके साथ में इस ट्रांजिशन में जो हम आने वाले समय में महसूस करेंगे। आई होप दैट माई वीडियो इज़ वेरी क्लियर। और मेरा जो मैसेज है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको देना चाहता हूँ, पुनः देना चाहता हूँ, वो आप सब लोग उससे रेजोनेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम फ्रेंड्स, आई राकेश शर्मा वेलकम यू ऑन माई चैनल एम्ब्रांस। फ्रेंड्स, आई हैड मेड ए वीडियो ऑन दिसंबर 2019 इन विच आई हैव स्पोकन अबाउट द बर्थ ऑफ अ डिवाइन सोल विच इज़ गोइंग टू टेक बर्थ इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2020 एंड वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर इंटरिंग इन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर।
If we see the stars of September, we'll find that every single star out of 9, 7 major planets are becoming more powerful and they are gaining more strength. The reason being, Jupiter will be direct in his own sign, that is Sagittarius, in the month of September. Saturn will also become direct in his own sign, that is Capricorn. Rahu will be exalted when it will change its sign into Taurus, and Ketu will also become powerful when it will enter the sign of Scorpio. At the same time, Mercury will be exalted into the sign of Virgo, and Mars is currently in his own sign and Sun is also ruling in his own house. So if we see the star position, 7 planets out of 9 planets are gaining the maximum strength of what they can gain. So this is symbolic to something very divine and something very powerful which is going to happen in this world. When I say something very powerful and something very divine is going to happen in this world, I am forecasting, I am predicting a birth of a very divine and spiritual soul which this world will witness in the month of 2020. If you are thinking that I am predicting about the birth of Lord Kalki, my friends, I am not predicting about the birth of Lord Kalki. It will take some time. Still, the soul what I am talking about will play a very major role in the coming years for this world. If I say that this soul will be a part of a process or a part of transition which this cosmic energy is going to create for this world, then I am very much true, because this soul will play a major role along with Lord Kalki in the transition of this world. If I see the hidden agenda of this cosmic energy or the hidden message of this cosmic energy, then I can find out that this cosmic energy is now differentiating this world into two categories, the good souls and the bad souls. So the soul which has already taken birth and if they belong to good category, they will be chosen, and at the same time a new army will be created by this cosmic energy which will join with the old souls to bring that transition and the new phase what the world is looking ahead. It is very easy and at the same time it is very difficult to understand everything what the cosmic energy is conveying to us. If we are deeply rooted with the events and with that frequency and vibration with Mother Nature, we can connect with the events and we can connect with the change which is going to happen in the coming days. My friends, the coming month will see a powerful soul birth which will play a major role along with Lord Kalki in the coming years in establishment of Satyuga. We are not near to the end of Kaliyuga. I will say we are very much near in the establishment of Satyuga. Still, it will take some time because it is a gradual process and the world will witness this process very slowly and gradually. And if you are a part of that army, Satyuga army, you will be blessed to meet these souls which will play a very high and major role in the transition of this world. I hope my video is very clear and specific with my message. Thank you very much, my friends, for watching this video.